हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम वापसी से खेलने जा रहे हैं जीटीए वाइस सिटी। सो गाइस, हम लोगों ने अपना गेम अभी स्टार्ट ही करा है कि हमें फोन आ गया है। फोन सो गाइस, मैंने फोन रिसीव कर लिया और वो हमें कह रहा है कि जो है हमारे पास कोई वॉशिंगटन में एक फोन आया है हमारे लिए। तो हम लोग तेजी से चलते हैं वो फोन अटेंड करने है। और ये पता नहीं किसकी गाड़ी खड़ी हुई थी और मैंने उठा ली है मुझे पीछे गाड़ी। अरे भैया, मुझे गाड़ी भी नहीं चलाने देते। सॉरी भैया, जिसकी भी गाड़ी थी अब मुझे वाली गाड़ी अच्छी लग रही है तो हम वो वाली गाड़ी लेके जल्दी से हम लोग चलते हैं। वैसे ये वाली गाड़ी बड़ी अच्छी होती है, फोर व्हीलर ऑफ रोड के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है, लेकिन जीटीआर सिटी में इतना ऑफ रोड है नहीं। तो हमें फोन लेने जाना है वाशिंगटन में। वाशिंगटन आई थिंक सो यही वाला एरिया है। तो यहाँ पे कोई फोन आया है हमारे लिए, वो फोन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं जल्दी से चलता हूँ फोन उठाने। और यहाँ पे आया है फोन, यहाँ पे देखें फोन बज भी रहा है और इतनी देर से बज रहा है क्या। तो यहाँ पे ये फोन हम उठा लेते हैं, किसका आया भाई बताओ। सो गाइस, ये फोन पे पता नहीं किसी मालिक का फोन आया था जो कह रहा है कि मेरा जो एक वर्कर है वो बहुत खराब काम करने लग गया है और शायद इनलीगल काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको ख़त्म करना है। और उसने उसको ना 50 डिलीवरीज़ का बोला है कि 50 जगह डिलीवरीज करने के लिए भेज दिया है। तो वो 50 डिलीवरीज़ करे उससे पहले हमें उसको ख़त्म करना है। और उसका वो कहाँ कहाँ जा रहा है वो उस पर मतलब उसकी बाइक में एक ट्रैकर लगा दिया था, हमें उसकी लोकेशन आ भी रहेगी कि वो जा कहाँ कहाँ रहा है। तो हमें उसको बस ख़त्म करना होगा जैसे भी करके। और यहाँ पर मैं भी गाड़ी को कहाँ ले गया, तो यहाँ पर वो अभी दूसरी गली में चला गया है। तो यहाँ से हम लोग चलते थे वर्ष के, उसने 8 डिलीवरीज कर भी दी और ये रहा वो हमारे सामने से ही जा रहा था और हम लोग रह गए। वैसे वो बाइक बड़ी स्टाइल चलाते हैं, कैसे उसने कट मार के निकाल दी, गिरा भी नहीं। तो हमें उसको मारना ही तो पड़ेगा ही, ये कटिंग करके निकालना है भाई। ये बाइक बड़ी बढ़िया चलाता है तो मुझे भी बाइक दो, मैं इससे रेस लगाऊंगा। अरे भैया, गाड़ी से इसका पीछा करना तो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये छोटी सी जगह से निकाल ले रहा है और फिर मैं उसको क्या पता चल गया है मैं उसके पीछे आ रहा हूँ। और एक तो मैं खंभे में गाड़ी दे रहा हूँ। अरे भाई, ये तो एक ही जगह को, ओ इसने क्यों डिलीवरी कब करी, पहले मैं तो बाइक से उतरा ही नहीं कि एक ही जगह पे घूम के डिलीवरी कैसे कर रहा है। ओ भाई शिट, मेरी गाड़ी है। तो यहाँ पर मुझे कोई दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। एक सेकेंड, वो यहाँ से आता है ना। अरे वो इस बार दूसरी जगह चला गया। शिट, पुलिस वालों की गाड़ी तो उठा नहीं सकते तो क्या करें, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही यार। जल्दी से कोई गाड़ी आ जाओ, 30 डिलीवरीज रहती हैं बस उसकी, जल्दी से आ जा भाई। कोई गाड़ी इधर से नहीं आ रही, इधर से। अबे क्या हो गया, गाड़ियां बंद हो गई क्या पूरे इलाके में, अबे लॉकडाउन लगाए गए गाड़ियों पे भाई। ये चीज मेरे अजीज, यही तो चाहिए था। तो हम लोग जल्दी से बाइक पकड़ते हैं और अब चलते हैं उसके लिए। अब तो नहीं बच सकता उससे, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए जो है गने भी खरीद ली थी क्योंकि इस गेम में हमें गने की हर वक्त ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए बहुत सारी गने खरीद ली थी, तो हम लोग उसको बाइक पे बैठे बैठे भी मार सकते हैं। तो कहाँ जा रहा है वो अभी, वो जा रहा है अब मैं पिज़्ज़ा शॉप की तरफ ही जा रहा है। वहीं पर एक पिज़्ज़ा शॉप है, मेरे रॉन्ग में भी कोई गाड़ी नहीं आ रही। ये बाइक तो उससे ज़्यादा अच्छी है गाड़ी से। हाँ तो ये तो अपनी दुकान में ही पहुँच गया, कहीं दुकान के पीछे नहीं जा रहा, चलो अच्छी बात है। अरे लग जाए इसको गोलियाँ, तो गोलियाँ भी नहीं लग रही। और ये फिर से हमारे हाथों से निकल रहा है। तो हम लोग यहाँ से जल्दी से पीछे से उसका पीछा करते हैं, कहाँ से भागेगा ये। लेकिन सिर्फ 13 डिलीवरीज बची है शर्ट, और ये फिर से मेरे पीछे से मुझे धोखा लेके चला गया। यही से मारने की कोशिश करता है, एक तो ये चलाता भी इतना बढ़िया है ना। ये निकल गया, देखो गले अभी तक पीछे भी नहीं गई बाइक और ये निकल भी गया। सिर्फ सिर्फ 5 डिलीवरीज बची है। अरे बिल्कुल पीछे लगता है उसकी बाइक। यस,
हमने इसको खत्म कर दिया, लेकिन बिल्कुल 5 डिलीवरीज बची थी। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। सो गाइस अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब के बाद आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस जल्दी से दबा दीजिए सब्सक्राइब, इसमें कुछ नहीं जाता है, ये फ्री है बिल्कुल। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो हम लोग यहाँ पे जो है अपनी बाइक को खड़ी करते हैं और देखते हैं कि किसी ने देखा तो नहीं ना हमें। जैसे मिशन तो पास हो गया है और यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल किसी ने देखा है, अगर देखा होता तो पुलिस हमारे पीछे आ रही होती ना, कैसे जा रही होती। तो हम लोग जल्दी से अपनी बाइक उठाते हैं और सीधा चलते हैं, हम लोग जल्दी से अपनी बाइक लेते हैं और चलते हैं हमारे नए मिशन पे जो कि खुल गया है, जिसका नाम मिशन ए है। और वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं जल्दी से और मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे मुझे बाइक खड़ी कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मिशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिशन ले लिया जिसका नाम है 4 आयरन। सो गाइस आपको याद ही होगा कि हमारे जो अपना दोस्त है उसके ऑफिस में जो लॉयर्स ऑफिस था, जो जिसमें एक बंदा था जब हम लोगों ने एक मिशन लिया था, तो उस बंदे ने ही मुझे बुलाया यहाँ पे और यहाँ पे बुला के मुझे एक और मिशन दिया। और वो मिशन कुछ अजीब सा तो नहीं है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एक गोल्फ के ना कपड़े लेने। तो कपड़े लेने के बाद ना हम लोगों को उसके वहाँ पे एक इसका दुश्मन गोल्फ खेलने गया हुआ है, तो उसको मारना है। लेकिन मसला ये है कि वो अपने बॉडी गार्ड्स के साथ गया हुआ है, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकती है। तो लेकिन हम लोग आराम से कर लेंगे, बॉडी गार्ड्स भले जितने भी हो हमारे पास सामान है, हम उसको ख़त्म कर देंगे। और एक सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग अपनी गन्स वगैरह अंदर नहीं लेके जा सकते, वो बहुत वो जो उसका सिक्योरिटी गार्ड है वो हमारी गन्स बाहर ही रख लेंगे, तो हम लोगों को ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग जल्दी से अपनी बाइक पकड़ते हैं, यहाँ पे मैंने कपड़े भी खरीद लिए हैं जैसे कि मैं अभी खेलने जा रहा हूँ, तो हम लोग गन्स वगैरह तो अंदर लेके चल नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग अपनी ये देखिए शायद उसी की गाड़ी है, तो यहाँ पे मैं अपनी बाइक खड़ी कर देता हूँ और यहाँ पे हमें जाना है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये देखे बॉडी गार्ड्स के साथ अपना खेल रहा है, ये इस बंदे को हमें मारना है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं जल्दी से और यहाँ पे इसने हमारी गन्स ले रख ली, लेकिन हमारे से ये नहीं लिया, ये भी मेरे पास थी, अच्छी बात है ये नहीं लिया भाई। और हेलो ये कहाँ जा रहा है, अभी डर के भाग रहा है क्या, सिक्योरिटी गार्ड होके डर रहा है यार हमसे। कोई नहीं हम ओ अभी पता चुका लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं तेजी से चला के। और आपको एक चीज बताता हूँ बोलिए रुक जाओ, और आपको एक चीज बताऊँ। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं गाड़ी भगा के और ये रहा वो, तो मैं दूर से तो इसको मार नहीं सकता क्योंकि इसके पास वो है सिक्योरिटी गार्ड से, तो मुझे करीब ही जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करीब चलता हूँ। हेलो आ जाओ भाई, मैं तुम्हें मारने आया हूँ यार। Who is this guy? Boys, इसको मारो, उसको मारना पड़ेगा, इसको मारो। अरे यार यार ये बच गया। आई थिंक इसको मैंने मार दिया और इसको मैंने मार दिया। और ये सिक्योरिटी गार्ड का जा रहा है, ये आरी का बड़ा काम है, लेकिन ये मुझे अंदर लाने दे दी इसने, उसका और ज़्यादा शुक्रिया। तो हम लोग चलते हैं सीधा यहाँ से बाहर, ये वाला मिशन भी हमारा हो गया है। सो गाइस हम लोग यहाँ पे अपनी बाइक पकड़ लेते हैं और चलते हैं सीधा वापसी वहीं पे जहाँ से हम लोग आए थे, मतलब जिसने हमें मिशन दिया था, तो उसी के घर पे चलते हैं वापसी। सो गाइस मैं भी इसके घर जा रहा था, लेकिन मुझे जो है कॉल आई कि उस पे जाओ, मिशन सी पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे भी वो तुम्हें बुला रहा है, इसके पास तो तुम चले गए लेकिन उसके पास नहीं गए। तो वहाँ पे जाओ और जल्दी से यहाँ पे ज़रूरी काम है उसको हमसे। तो हम लोग अपनी बाइक तेज़ी से भगाते हुए चलते हैं और हम लोग ने ठोक दी बाइक और हम लोगों की हेल्थ भी गई और बाइक भी टूट गई। कहाँ गई बाइक, बाइक कहाँ गई, यहाँ से गई थी। हेलो बाइक ही गायब, बाइक कैसे गायब हो गई। अब मैं अपनी दोस्त की बाइक लेके चलता हूँ और वहाँ मुझे एक और बता दिखा था बाइक लिए हुए। तो यहाँ पे जो है हम लोग जल्दी से चलते हैं मिशन सी पे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे उस बंदे की यार्ड पे पहुँच चुके हैं,
तो यहाँ पे हम लोग अपनी बाइक खड़ी करते हैं और चलते हैं अंदर के हमारे से क्या काम है उसको। तो यहाँ पे हम लोग उससे बात करने आ गए हैं। सो गाइस, ये कह रहा है कि इसको एक बंदे ने इसको मारने की धमकी दी है और वो इसकी वजह से बहुत परेशान है। तो वो कह रहा था हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वो गाड़ी लेके तुम दिल्ली से जाओ। मैं उस बंदे की लोकेशन दे रहा हूँ और तुम्हें उस बंदे को ख़त्म करना होगा। और इसने हमें जो है एक आरी टाइप जो है जिससे हम लोग घास काटते हैं वो हमें दे दी उस बंदे को ख़त्म करने के लिए। तो हम लोग जल्दी से जो है चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस, मैं उसकी गाड़ी भगाते भगाते पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी अपनी खड़ी कर देते हैं और चलते हैं सीधा अंदर। और हमें ये चीज़ दी है उसने उसको ख़त्म करने के लिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आराम से ख़त्म करते हैं। और ये वही बंदा है जिसने उसको धमकी दी थी और ये जो है बहुत बड़ा गैंगस्टर वगैरह है। तो हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये भाग रहा है तो हमें यहाँ से जल्दी से चेयर पे चढ़ के नीचे कूदना होगा और ये भाग ना जाए इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पीछे जो है पुलिस भी पड़ चुकी है। तो पुलिस से बचने के लिए कह रहा है कि हमें जल्दी से एक गाड़ी में बैठ के भागना होगा। तो हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वो कह रहा है कि पेन स्प्रे बजाओ। और पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी का पंचर भी कर दिया है, ये तो और भी गलत बात है। तो यहाँ पे वो कह रहा है पेन स्प्रे बजाओ। तो यहाँ पे मैं अपना पेन स्प्रे बजाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्टार कम भी हो गया मेरा। तो मैं यहाँ पे अपना जल्दी से पेन स्प्रे के अंदर चलता हूँ। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे अंदर जा चुके हैं और वो कह रहा है कि हम मैंने आपकी गाड़ी का बिल्कुल चेंज कर दिया, नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ। तो कोई भी पुलिस आपको पहचान नहीं पाएगी, लेकिन कोई ऐसी हरकत नहीं करिएगा जिससे पता चले कि वो आप ही बंदे थे। तो यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी मतलब उसकी बंदे की गाड़ी उठा के चलते हैं जल्दी से वापसी उसके घर, क्योंकि मुझे उसकी गाड़ी भी देनी थी। और हम लोग चलते हैं उसके घर, ये घर नहीं मतलब यार्ड, उसकी बहुत बड़ी सी शिप है। तो हम लोग जल्दी से उसकी शिप पे पहुँचते हैं। सो गाइस, हम लोग जल्दी से पहुँच गए उसके पास और यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हुई है, लेकिन उसने एक और गाड़ी ले ली। वाह भाई, ये गाड़ी उसने हमें दी कि जाओ जाके पकड़ के लाओ। उसकी एक और ऐसी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और ये काफ़ी महंगी गाड़ी है। तो यहाँ पे हमें आपसे बात कर लेते हैं। तो गाइस, ये हमने इससे बात कर ली और वो बहुत खुश था कि हमें उसके जो जिसको धमकी दे रहा था उसको ख़त्म कर दिया। तो अब वो जो है बड़े आराम से रह सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसका एक बंदा है जो कि एक मॉल में आ रहा है, तो हमें उससे जाके बात करनी होगी। तो वो कह रहा है कि जल्दी से जाओ बात करके आओ और गन भी लेकर चलना। तो गन्स तो हमने पहले ही खरीद ली थी, तो हमें और गन्स खरीदने की ज़रूरत तो नहीं है अभी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं, यही वो मॉल है। तो यहाँ पे हम लोग पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो पार्किंग एरिया ये रही, तो यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं आराम से और जल्दी से चलते हैं अंदर। और हमारे हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए ताकि उसको उसकी गन वाले सिंगा ले लो। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए ताकि उसको शक ना हो कि हम लोग कुछ हथियार लेके आए। तो हम लोग चलते हैं अंदर और मैं पीछे जा सकता था लेकिन मैं पूरा घूम के पता नहीं क्यों आ गया, वहाँ से रास्ता था भाई यार, इतना घूम के क्यों आ गया मैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर, वैसे मुझे वहाँ का रास्ता दिखा नहीं, वो देखे वो था रास्ता, मैं पूरा घूम के आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से चलते हैं तेजी से ऊपर। अरे मैं अभी से मार रहा हूँ भाई। तो हम लोग भाग के पहुंच जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे इससे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इससे बात कर लेते हैं। What this time of the year? What's that? It's a big way to go. Look, Cortez sent me. Just give me the damn shit. So guys, तो यहाँ पे पता नहीं किस बात का ये इन दोनों की जो है बीमारी हो गई। और फिर पता चला कि ये जो बंदा ये गद्दार निकला और इसने अमेरिकन फोर्स को जो है बुला लिया था और जो है हमारी सारी बातें बता दी थी कि हम लोगों ने क्या क्या करा है। और वो अमेरिकन फोर्स ने हमारे ऊपर गोलियां बरसा दी, लेकिन हमें इसको छोड़ना नहीं है। तो इसके पास कुछ आई थिंक मालूम पड़ी हुई है जो हमें चाहिए। यहाँ पे मेरे पास गन तो है ही, और हमने ऐसा कोई मिशन करा ही था जिसमें ओ वाओ तो एक ही बार में गया। तो यहाँ पे ये बाइक का ही कमाल है। तो हम लोग इसका जल्दी से सामान उठाते हैं और चलते हैं अपने उसके पास।
उसको दे देते हैं और वो जो हमारे पीछे से पुलिस भी हटवा देगा। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से भगाते हुए चलते हैं अपनी बाइक हाउस के पास। तो यहाँ पे घर करीब पे ही है यहाँ से, तो यहाँ से इस गली में मुड़ना है हमें, सीधा से पहुँच जाना है। तो हम लोग उसके पास पहुँच जाते हैं, उसको बताते हैं ये भाई तेरा बंदा तो बहुत बड़ा गद्दार निकला, यानी कि अमेरिकन फोर्स ले आए हमारे पीछे, और उसके पास जो मालूम थी वो हम लेकर आ गए। तो इसकी इस तरह हमारी भी वो हो जाएगी कि हम लोग ने काम कर दिया। तो हम लोग जल्दी से अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर देते हैं, और जो मैं पिछली बार गाड़ी लेके गया था वो यहाँ से उठा के इन लोगों ने वापसी वही खड़ी करवा दी, और इसके पास जो दूसरी गाड़ी थी वो वापसी पता नहीं कहाँ गायब करवा दी। तो यहाँ पे गाइस मैं उसको सब बता के आ गया, और उसने मुझे 500 रुपये दे दिए। सो गाइस मैंने उससे बात कर ली और हम लोग चलते हैं अपने घर पर आराम करने के लिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।